इस वीडियो को एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। अब इस क्वेश्चन का कोई सही या गलत जवाब नहीं है, पर इसे हम एक बेस की तरह रखेंगे इस वीडियो को समझने के। एक माइग्रेंट कपल है जो गांव से शहर आया है। बेचारे गरीब मजदूर है, अगर एक दिन काम नहीं करेंगे तो अगले दिन खाने के लिए पैसे नहीं होंगे। उन्होंने मजदूरी करके पैसे इकट्ठे किए और उस पैसों से एक सोने का सिक्का खरीद लिया। एक दिन दोनों मजदूरी पे गए थे, पीछे से चोर आए और सारा सोना ले गए। अब मेरा क्वेश्चन आपसे बहुत सिंपल है, इसमें गलती किसकी है? इन मजदूरों की, इन चोरों की, या मैं आपको एक तीसरा ऑप्शन देता हूँ, इनके सर्कमस्टेंसेस, इनकी मजबूरी की। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, इस पर कोई सही या गलत आंसर नहीं है। हम हमारी ओपिनियन हमारे लाइफ के एक्सपीरियंसेस से बनाते हैं। जो हमने लाइफ में एक्सपीरियंस किया वो हमारे सोचने के तरीके को गाइड करता है। ये ट्वीट इसका परफेक्ट एग्जांपल। एक फेमस फाइनेंस इन्फ्लुएंसर है जो कह रहे हैं कि गरीब गरीब है क्योंकि वो अपना सारा पैसा खर्च कर देता है, और ये अकेले नहीं है, ये बहुत ही कॉमन सोचने का तरीका है। तो मेरे मन में तो यही आ रहा है कि मजदूरों की गलती है, क्योंकि क्या बेवकूफ लोग हैं, घर पे सोना छोड़ के कौन जाता है? पर आपको ये लग रहा है थोड़ा इजी सॉल्यूशन हो गया, विक्टिम पे ही नाम लगा दिया। हो सकता है अगर ये लोग ये सोना घर पे छोड़ के काम पे नहीं जाएंगे तो इनको अगले दिन कॉन्ट्रैक्टर नौकरी से निकाल दे, घर छोड़ना पड़ सकता है, पैसे नहीं मिलेंगे तो ये सोना इकट्ठा किया है उसे बेचना पड़ेगा। इनइक्वालिटी सिंपली बस रिसोर्सेज की, संसाधनों की कमी नहीं है। इनइक्वालिटी एक एक्सपीरियंस होता है जिसमें आप वल्नरेबल होते हो, आपके पास रास्ते नहीं होते उस गरीबी से बाहर आने के। मुझे वीडियोस को स्टोरीज की तरह रखना पसंद है, मगर कुछ चीजें समझना जरूरी है जो अगर आप इनइक्वालिटी के बारे में न्यूज में ही पढ़ोगे तो आपके काम आएगी। इनइक्वालिटी मेजर करने के लिए पॉपुलरिटी यूज होता है जीनी कोफिशिएंट। ग्राफ देख के वीडियो मत बंद करना। किसी कंट्री का जीनी इंडेक्स 0 और 1 के बीच में होता है। अगर 0 है तो कंट्री एकदम इक्वल है, मगर ऐसा होता नहीं है क्योंकि फिर डॉक्टर या लेबर या कोई बच्चा सेम इनकम कमाएंगे। और अगर एक कोफिशिएंट 1 है तो मतलब एक आदमी के पास सारी वेल्थ है। ये भी नहीं होता क्योंकि बाकी सबके पास पैसे नहीं होंगे, वो लोग मर जाएंगे। मगर इस मेथड में कुछ कमियां भी है, स्पेशली कि गरीब और अमीर में फर्क कितना है। यहाँ पे पाल्मर रेशियो आता है। या आपने न्यूज में बहुत सुना होगा कि 10% लोग इतनी वेल्थ ओन करते हैं या 10% लोग इतना इनकम कमाते हैं। ये पाल्मर रेशियो के एग्जांपल्स है। पाल्मर रेशियो को पॉपुलराइज किया था फ्रेंच इकोनॉमिस्ट थॉमस पिकेटी ने। मैं पिकेटी के बारे में आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये आर्ग्यू करते हैं कि इनइक्वालिटी टेक्नोलॉजिकल चेंज या इकोनॉमिक्स की वजह से नहीं आती है, बल्कि हमारी गवर्नमेंट और पॉलिटिक्स की वजह से होती है। जब हमें आजादी मिली, हम एक भूखा देश थे, तो हमने गरीबी डिसाइड की कैलोरीज के बेसिस पे। तो पॉलिसीज भी ऐसे ही बनाई जाती थी कि अभी लोगों को खाना खिलाना है। फिर हमने रियलाइज किया कि सिर्फ खाना ही गरीबी कैसे ठीक कर सकता है, तो हमने पैसे को पॉवर्टी से रिलेट किया। पर वो भी एक अच्छा तरीका नहीं है, क्योंकि पॉवर्टी मल्टी डायमेंशनल होती है। वो भी तो फैक्टर्स होते हैं जो गरीब को गरीबी से बाहर आने से रोकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर इन माइग्रेंट वर्कर्स के पास तिजोरी होती या सरकार ने इन्हें एक सर्विस प्रोवाइड करी होती जहाँ अपना सोना रख सकते, तो चोरी कभी नहीं होती। ऐसे ही हेल्थ केयर है, बीमार हो गए तो बच्चों की पढ़ाई, उनको भी तो स्कूल भेजना है। तो हमने कंजम्पशन को, खर्चों को यूज करना चालू किया पॉवर्टी मेजर करने के। अब एक चीज आपको यहाँ पता होनी चाहिए कि हमारे पास 2011 के बाद इसका कोई ऑफिशियल डेटा नहीं है, जो कि बहुत सैड है, क्योंकि हम जो पॉलिसीज बना रहे हैं वो इलेक्शन के बेसिस पे बना रहे हैं। जब कोई स्टेट में इलेक्शन आने वाले होते हैं तो सरकार गरीबी हटाने वाली स्कीम्स फिर से ले आती है, क्योंकि इनइक्वालिटी से किसी को फर्क नहीं पड़ता है। गरीब गरीब है क्योंकि वो अपने सारे पैसे खर्च कर देते हैं। पर क्या इसे रोका जा सकता है? कुछ कंट्रीज के एक्सपीरियंस में तो हाँ। जापान और फ्रांस में इनइक्वालिटी स्टेबल कंसिडर की जाती है। आयरलैंड में इनइक्वालिटी कम हो रही है। नेदरलैंड्स और डेनमार्क में ये बहुत कम है। तो ये कंट्रीज ऐसा क्या कर रही है? कुछ तरीके होते हैं। सबसे पहला मेथड है टैक्सेस। टैक्सेस का आइडिया ये है कि गवर्नमेंट जिनके पास ज्यादा पैसा है उनसे टैक्स लेगी और ये पैसा देश चलाने में, गरीबों को पॉवर्टी से बाहर लाने में यूज करेगी। अब इंडिया जो कर रहा है वो थोड़ा इंटरेस्टिंग है। दो मेन डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, एक इनकम टैक्स जो आप भर रहे हो और एक कॉर्पोरेट टैक्स जो कंपनीज भरती है। इंडिया में हमने कॉर्पोरेट टैक्स कम कर दिया। इनफैक्ट 2021 में ये इनकम टैक्स से भी कम हो गया था। लॉजिक ये कि अगर हम कॉर्पोरेट पर टैक्स कम कर देंगे तो उस पैसे को इन्वेस्ट करेंगे, इकोनॉमी में पैसा वापस आएगा, लोगों के लिए जॉब्स क्रिएट होंगी, तो ये पैसा प्राइवेट कंपनीज के थ्रू सबके पास पहुंचेगा। इसको ट्रिकल डाउन इकोनॉमिक्स कहते हैं। सेंस तो बनता है, लॉजिकल भी लगता है। पीयूष गोयल जी जो मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, इन्होंने पिछले साल फ्रस्ट्रेशन में पता है कंपनीज को क्या कहा था? इनइक्वालिटी की भी एक हद होती है। तुम हमारी जमीन, हमारी रेलवेज का इस्तेमाल कर रहे हो, पर उससे लोगों की लाइफ में तो कोई सुधार नहीं आ रहा। अब ऑब्वियसली इस फुटेज को ब्लॉक कर दिया गया। क्यों तो मैं नहीं बोलूंगा, पर क्या ऑनरेबल मिनिस्टर सही बोल रहे हैं? ये इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल की रिपोर्ट है। ये वो लोग है जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को इकोनॉमी के बारे में एडवाइस देती है। इसमें पता है क्या लिखा है? जो टॉप 1% और टॉप 10% लोग है वो अमीर होते जा रहे हैं, और जो बॉटम 50% और बॉटम 10% है वो गरीब होते जा रहे हैं। ट्रिकल डाउन इकोनॉमिक अप्रोच एक फेलियर है। इनफैक्ट ये एडवाइजरी तो कहती है कि इंडिया में यूनिवर्सल बेसिक इनकम देनी चाहिए, मतलब लोगों को डायरेक्ट पैसे दो कि तुम्हें जैसे खर्च करना है करो। अब ये बहुत ही डिबेटेड चीज है, क्योंकि गरीब को पैसे देंगे वो दारू पी जाएगा। अरविंद केजरीवाल हर इलेक्शन से पहले डायरेक्ट कैश ट्रांसफर की बात करते हैं, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इसे रेवड़ी बोलते हैं, सेम कांग्रेस और टीएमसी करती है हर इलेक्शन से पहले। अब नेता लोगों को चलता रहेगा, जैसे मैंने पहले कहा कि इलेक्शन आते हैं और कुछ कुछ स्कीम्स ले आते हैं। पर इस वीडियो का पर्पस वेलफेयर के आसपास जो डाउट्स होते हैं वो क्लियर करना है। ये तो आपने बहुत सुना होगा कि कैश ट्रांसफर करोगे तो दारू पी लेंगे या वेस्ट कर देंगे, और ये बहुत कॉमन थिंकिंग है।
और ये सोचने वाले सिर्फ आप नहीं हो, इनफैक्ट गरीब भी यही सोचते हैं। 2014 में एक स्टडी हुई जिसमें गरीब लोग जिन्हें खाना ऑलरेडी मिल रहा था उनसे पूछा गया कि उन्हें खाने की जगह पैसे दिए जाए तो वो खाना प्रेफर करेंगे या पैसे। ज्यादा लोगों ने कहा कि वो खाना प्रेफर करेंगे, पैसे नहीं। और रीजंस वैलिड दिए कि गांव में बैंक नहीं है तो बैंक तक जाने के लिए पैसे लगेंगे, मार्केट जाने के पैसे लगेंगे, खाने की जगह पैसे दारू में खर्च कर देंगे, ये उन्होंने खुद बोला है। पर क्या हो अगर खाने की जगह कैश दिया जाए, क्योंकि कई एस्टिमेट्स कहते हैं कि ऐसे फूड प्रोग्राम्स में 30% कॉस्ट खाने को ट्रांसफर करने में या स्टोर करने में जाती है और जो खाना वेस्ट होता है वो अलग। अभिजीत बैनर्जी ये वही है जिन्हें अभी नोबेल मिला था, इनकी रिसर्च कहती है कि कैश ट्रांसफर किया जाए तो इसका कोई प्रूफ नहीं है, कोई डेटा नहीं है कि लोग पैसा वेस्ट करेंगे। इनफैक्ट इनकी रिसर्च कहती है कि डायरेक्ट कैश ट्रांसफर न्यूट्रिशन और स्कूलिंग और हेल्थ पे खर्चा इंप्रूव करता है। तो फिर हम ऐसा क्यों सोचते हैं, हम वेलफेयर प्रोग्राम्स को रेवड़ी की तरह क्यों देखते हैं? मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। सपोज 10 फैमिलीज हैं जिन्हें कैश ट्रांसफर किया जाए, इनमें से 7 ने इसे एफिशिएंटली यूज किया और 3 इस पैसे की दारू पी गए। हमारे ब्रेन हमेशा इन 3 स्टोरीज को याद रखेंगे क्योंकि ब्रेन्स ऐसे ही नेगेटिव बायस्ड है। भले डेटा दिखा रहा है कि लोगों की लाइफ में इंप्रूवमेंट आ रहा है, विजय माल्या, नीरव मोदी, भूषण सिंह, ये सब भी टैक्स पेयर्स का ही पैसा है, ज्यादा पैसा है। फिर इस लॉजिक से तो हमें कॉर्पोरेशंस को भी लोन्स देना बंद कर देना चाहिए, पर इस बात का कोई सेंस है? मैं नहीं बोल रहा कि वेलफेयर प्रोग्राम परफेक्ट है या अल्टीमेट सॉल्यूशन है, पर एक रास्ता है, एक गोल को डिफाइन करता है। पर एक्चुअल प्रॉब्लम है कि इतना पैसा कहां से आएगा। अरविंद सुब्रमण्यम जो हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर थे, उनका सजेशन था इंडिया की 75% पॉपुलेशन को लगभग 1000 रुपए हर महीने दिए जाए, मगर इसकी कॉस्ट होगी इंडिया की 5% जीडीपी के बराबर। अभी सुन के छोटा लग रहा होगा पर एक्चुअली में बहुत बड़ा नंबर है जो हम अफोर्ड नहीं कर सकते। पर क्या हो अगर इस पैसे को कम कर दे? मैं आपको मध्य प्रदेश की एक रिपोर्ट के बारे में बताता हूँ। यूनिसेफ ने एक साल तक कुछ गांव में हर महीने अडल्ट्स को 300 और बच्चों को 150 रुपए दिए और रिजल्ट्स बहुत पॉजिटिव थे। इनफैक्ट इतने पॉजिटिव कि 4 साल बाद तक भी वो पॉजिटिव इम्पैक्ट फील कर रहे थे। तो सपोज इस फैमिली को कैश मिल रहा होता, हो सकता है एक्स्ट्रा इनकम से बकरी खरीद पाते, बैल खरीद पाते। राधा भाई जिनकी फैमिली को इस प्रोजेक्ट में कैश मिल रहा था, उन्होंने ये किया, उन्होंने बैल खरीदी जिससे वो फार्मिंग कर पाए, बकरियां खरीदी, इस एक्स्ट्रा इनकम से उनके बच्चे स्कूल जा पाए। 5 जनों की फैमिली को 1000 रुपए देने से इतना फर्क पड़ता है। तो नेक्स्ट टाइम अगर आपको कोई बोले कि गरीब को पैसे मिलेंगे तो वो दारू पी लेंगे या आलसी हो जाएंगे, तो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहे हैं, डेटा ऐसा कुछ नहीं कहता है। और ये मेरा ओपिनियन है, पर मुझे ट्रिकल डाउन का लॉजिक कभी पर्सनली समझ नहीं आया। अगर आप रिच को टैक्स कट दोगे तो वो उस पैसे को इन्वेस्ट करेंगे, चोरी नहीं करेंगे, पर गरीब को पैसे मिलेंगे तो वो दारू पियेंगे, पैसे वेस्ट करेंगे। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पुराना टूल है एजुकेशन। इंडिया में एजुकेशन की सप्लाई बहुत है, प्रॉब्लम है क्वालिटी की। बच्चे स्कूल तो जा रहे हैं पर वो कुछ सीख नहीं रहे। इस साल की ASER रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि बच्चों की पढ़ने की एबिलिटी वो लेवल पे आ गई है जो 2012 में थी, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम डिजाइंड एलीट क्लास के लिए, उसे हर गांव हर डिस्ट्रिक्ट में थोप दिया, जो हमारे एजुकेशन सिस्टम को बेसिकली एक पॉवर्टी ट्रैप बना रहा है। पॉवर्टी ट्रैप बेसिकली उस मैकेनिज्म को बोलते हैं जो गरीब को गरीब रखता है, उन्हें पॉवर्टी से बाहर नहीं आने देता। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। रिसर्चर्स ने कुछ टीचर्स को रैंडमली पेपर चेक करने को कहा, उन्होंने आधे टीचर्स को उन बच्चों की कास्ट बताई, आधों को नहीं बताई। रिजल्ट्स ने बताया कि टीचर्स ने स्टूडेंट्स जिन्हें इंडिया में लो कास्ट कंसिडर किया जाता है उन्हें कम मार्क्स दिए कम्पेयर टू जब उन्हें कास्ट नहीं बताई गई। ये होता है पॉवर्टी ट्रैप, कि आपका नाम आपकी स्किल से डिफाइन करता है, आपको कितना आता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रथम NGO जो ASER रिपोर्ट्स निकालता है, ये यही प्रॉब्लम को फिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें एज या क्लास के बेसिस पे नहीं, जो पीछे रह गए उन्हें आगे लाने के मॉडल पे काम करता है। हमने इस पे ऑलरेडी एक वीडियो बनाया जो मोह के चैनल पे अपलोडेड है, पर इस वीडियो को मैं इकोनॉमी से रिलेटेड रखना चाहता हूँ, तो मैं आपको दूसरी कंट्रीज के एक्सपीरियंस के बारे में बताता हूँ। मेक्सिको ने 20 साल पहले एक एक्सपेरिमेंट किया था प्रोग्रेसा, और ब्राजील ने भी ऐसा ही कुछ किया था बोल्सा फेमिलिया। यह है कंडीशनल कैश ट्रांसफर्स। बेसिक आइडिया है कि गवर्नमेंट आपको कैश देगी पर उस कैश पे कंडीशन होगी, और मेनली कंडीशन होती है एजुकेशन, कि आप अपने बच्चों को स्कूल भेजो, उनकी स्कूल में इतनी अटेंडेंस होनी चाहिए, अगर वो कंडीशन फुलफिल होगी तो हम आपको कैश देंगे। लाखों लोग इन प्रोग्राम्स की वजह से पॉवर्टी से बाहर आ पाए। इनफैक्ट कुछ इकोनॉमिस्ट 20 साल बाद उन फैमिली से मिले जिन्हें मेक्सिको के प्रोग्रेसा में कैश मिला था। उन्होंने बताया कि 20 साल पहले जिन लोगों को हेल्प मिली वो सस्टेनेबल है, उनकी और उनकी आगे आने वाली पीढ़ियों तक के लिए सस्टेनेबल है। और इंडिया में भी ऐसे प्रोग्राम्स हैं, और सुनकर आपको लॉजिकल भी लग रहा होगा, पर इन कंडीशनल कैश ट्रांसफर्स में कुछ प्रॉब्लम्स भी होती है। इन प्रोग्राम्स में यूजुअली होता है कि पैसे घर में घर की औरत को दिए जाते हैं ताकि बैलेंस बना रहे, वुमेन के हाथ में पैसे होंगे तो डिसीजन मेकिंग में उनका रोल रहेगा, उन्हें एम्पावर करेगा। सुनकर ये भी लॉजिकल लग रहा होगा, पर इन कंडीशनल कैश ट्रांसफर से वुमेन पे प्रेशर और ज्यादा बढ़ जाता है।
क्योंकि कंडीशन पूरी करने की जिम्मेदारी विमेन पे आ जाती है, क्योंकि ये प्रोग्राम्स विमेन को एक केयर टेकर की तरह आइडेंटिफाई करते हैं, एक वर्कर की तरह नहीं। इनफैक्ट तारा कुक्सन अपनी बुक में यही बता रही है कि कंडीशनल कैश ट्रांसफर्स विमेन के लिए प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ा देती है और उन्हें काम छोड़ना पड़ता है। अब मेरे पास इसका कोई प्रूफ नहीं है, मुझे इस पे कोई सब्सटेंशियल रिसर्च नहीं मिली, पर हो सकता है इंडिया में भी यही हुआ। ये ग्राफ देखो, ये बता रहा है कि इंडिया में विमेन लेबर फोर्स कितना है, मतलब कितनी औरतें काम करती है। अब इसमें 2005 के बाद ये ग्राफ एकदम से नीचे जा रहा है। अब 2005 सरप्राइजिंगली वही साल है जब हमने विमेन के लिए बड़े बड़े कंडीशनल कैश ट्रांसफर स्टार्ट किए थे। उसके बाद अलग अलग स्टेट्स ने भी वही किया और विमेन ने काम करना कम कर दिया। अब मेरे पास इसका कोई प्रूफ नहीं है, पर लैटिन कंट्रीज में तो ये हुआ है, तो हो सकता है इंडिया में भी यही हुआ। इसीलिए इकोनॉमिस्ट आर्ग्यू करते हैं कि कैश ट्रांसफर में कंडीशन नहीं होनी चाहिए, लोग खुद डिसाइड कर सकते हैं कि उनको पैसे खर्च करने हैं। मैंने वो रिसर्च के बारे में बताया था ना कि कैश प्रेफर करेंगे या फूड, मैं आपको एक पढ़े लिखे आदमी का रिस्पॉन्स बताता हूँ उसने क्या कहा। वो कह रहे हैं कि वो कैश प्रेफर करेंगे क्योंकि करप्शन कम होगा, वो पैसा इतना नहीं होगा कि फिजूल खर्च हो, पर इतना होगा कि इंटरेस्ट मिले। तो ये फैमिली अगर पढ़ी लिखी होती तो इन्हें पता होता कि सोना कहाँ रखना है, बैंक में कैसे स्टोर करना है, और सोने के अलावा कौन से इन्वेस्टमेंट है जो उन्हें ज्यादा फायदा देंगे। तो कंडीशन लगाना वेस्ट होगा, हमें अच्छी एजुकेशन देनी पड़ेगी, क्वालिटी एजुकेशन देनी पड़ेगी जो स्टेट नहीं दे रही है। अब ये वीडियो का वो पॉइंट है जब मुझे आपको कोई कंक्लूजन देना होता है, पर इतना बड़ा टॉपिक है कि मेरे पास कोई कंक्लूजन नहीं है। तो कंक्लूजन देने की जगह मैं आपको बताता हूँ एक्चुअल में क्या हुआ था, और आप बताना किसकी गलती है। ये एक्चुअली दो स्टोरीज है, एक 2011 की और अभी कुछ टाइम पहले की, और बहुत मिलती जुलती थी स्टोरीज है। वो एक माइग्रेंट कपल है, दोनों मजदूरी पे गए थे, सोना नहीं था, सोने की जगह उनका बच्चा था, कुत्ते घर में घुसे और बच्चे को मार दिया। फिर वही हर बार की तरह कुछ लोगों ने ट्वीट कर दिया कि माँ बाप की गलती है, घर में बच्चे को अकेला छोड़ के कौन जाता है। कुछ लोगों ने बोला कुत्तों का आतंक बहुत बढ़ रहा है, पर अब शायद आपको समझ में आ रहा होगा कि प्रॉब्लम्स कितनी लेयर्ड होती है। अब कुछ लोग कह सकते हैं कि आंगनवाड़ी में छोड़ सकते थे, पर आंगनवाड़ी 3 साल से कम के बच्चों को नहीं लेते, आंगनवाड़ी की हालत भी बहुत खराब है। और मैं कंसर्न समझता हूँ कि हमें सेल्फ सफिशिएंसी बढ़ानी चाहिए, डिपेंडेंसी कम करनी चाहिए, पर वेलफेयर बहुत सारे लोगों के लिए सेफ्टी नेट है। अगर आपको इस वीडियो की क्वालिटी में इंप्रूवमेंट दिख रहा है तो वो मेरे पेट्रॉन्स और डोनर्स और चैनल मेंबर्स की वजह से है जिन्होंने चैनल को फाइनेंशियली सपोर्ट किया है। अब मैंने ट्राई तो यही किया कि जितना ज़्यादा स्टोरी की तरह रखूं, पर अगर ये वीडियो आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हैवी फील हुआ तो प्लीज़ कमेंट करके बताना, आपके फीडबैक से ही मैं बेटर वीडियोस बना पाता हूं। अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो तो वो आप कर सकते हो इस वीडियो को लाइक करके, शेयर करके, ताकि एल्गोरिदम ये वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।